जो भी लोग ड्रीम इलेवन पर खेलते हैं उनके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और ड्रीम इलेवन पर लगातार विनिंग में आप किस तरह से रह सकते हैं। अगर आप ड्रीम इलेवन में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए जरूरी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप हमसे बेस्ट ग्रैंड लीग टीम लेना चाहते हैं और स्मॉल लीग टीम लेना चाहते हैं तो आ जाओ हमारे टेलीग्राम पर। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रिंस फैंटेसी एक्सपर्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला और सबसे जरूरी रूल, कभी भी अपना पूरा बजट एक ही मैच में इन्वेस्ट मत करना। अक्सर लोग जोश में आकर अपना सारा पैसा एक मैच में लगा देते हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप अपने ओवरऑल बजट का सिर्फ 10-15% ही एक मैच में लगाएं। इससे क्या होगा, अगर एक मैच आपका गलत हो भी गया तो आपके पास उसको रिकवर करने के लिए पैसा बचा रहेगा। इसीलिए अपने बजट का 10-15% ही एक मैच में आपको लगाना है। और अगर आप सेफ और कंसिस्टेंट अर्निंग चाहते हैं तो स्मॉल लीग पर फोकस करें, क्योंकि स्मॉल लीग में कंपटीशन थोड़ा कम होता है और विनिंग चांस हाई होते हैं। आप अपने बजट का 70-80% स्मॉल लीग में लगाएं और बाकी का 20-30% ग्रैंड लीग के लिए सेव करें। ग्रैंड लीग हाई रिस्क है तो यहाँ उतना ही पैसा लगाएं जितना आप लॉस कर सकते हैं। यानी कि स्मॉल लीग, दो बंदों वाली लीग, तीन बंदों वाली लीग या चार बंदों वाली लीग में आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है 70-80% रखना है और ग्रैंड लीग में अपना इन्वेस्टमेंट 20-30% आपको रखना है। एक और इम्पोर्टेंट टिप, डेली इन्वेस्टमेंट लिमिट सेट करें। ये लिमिट आपके ओवरऑल मंथली बजट पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप महीने में सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेली आपको 100 रुपये ही लगाने हैं। इससे आपका रिस्क कम होगा और आप ज्यादा देर तक गेम में बने रहेंगे। बहुत लोग ड्रीम इलेवन में क्विक प्रॉफिट के चक्कर में ओवर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन में सक्सेस का राज है कंसिस्टेंसी। हर मैच में छोटा अमाउंट लगाएं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाएं। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 100 में से 70-80 मैच में प्रॉफिट में रहें, ना कि एक मैच में बड़ा अमाउंट जीते। रिस्की मैच में जैसे कि फ्रेंडली मैच या नए प्लेयर्स के साथ वाले मैच में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। ऐसे मैच में प्रेडिक्शन डिफिकल्ट होता है और चांस लो होते हैं जीतने के। सेफ और हाई वैल्यू मैच में इन्वेस्ट करें जहां प्लेयर्स और टीम का रिकॉर्ड स्ट्रांग हो। यानी कि जो ऐसे मैच होते हैं या तो वो खास मैच नहीं होते या कोई टीम अपने नए प्लेयर्स को मौका देती है, उस मैच का रिजल्ट जो भी हो उससे टीम को नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आपको नुकसान जरूर हो सकता है क्योंकि आपके प्रिडिक्शन उस मैच में गलत साबित हो सकते हैं और आप अपना पैसा हार सकते हैं। और फाइनली ड्रीम इलेवन खेलते वक्त माइंडसेट कंट्रोल में रखें, हमेशा पॉजिटिव और रियलिस्टिक अप्रोच रखें। कभी भी लॉस के चक्कर में ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये गेम है और आपको हमेशा पेशेंस और स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन आपका दिन नहीं होता है और उस समय आप लॉस कर जाते हैं, लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो कंट्रोल में नहीं होता है और उस चक्कर में आप अपना सारा पैसा गंवा सकते हैं क्योंकि वो दिन आपका नहीं था। इसलिए अपने माइंड सेट को कंट्रोल में रखें। अगर आप जिस दिन हार रहे हैं तो उस दिन आप बहुत कम खेलें, इससे आपका माइंड सेट कंट्रोल में रहेगा। और हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आप ड्रीम इलेवन पर कंसिस्टेंसी विनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ड्रीम इलेवन में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा और चांस है कि आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप ड्रीम इलेवन में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गेमिंग। लेकिन हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें।